हेलो दोस्तों, दिस इज संगीता फ्रॉम होम मेकर्स रेजिन। आज मैं स्वहस्तविद स्वाति के साथ हूँ। स्वाति, वेलकम टू होम मेकर्स रेजिन। थैंक यू संगीता, बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आके और आपके साथ कोलैबोरेट करके। और सच बोलू तो हमको वीडियो बनाने में बहुत मजा आया, है ना? सच मुच हम बहुत एंजॉय किए इस कोलैबोरेशन को। तो स्वाति, आज आप मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को बताइए, आपके चैनल का क्या खासियत है और क्या इंस्पायर किया है आपको इस चैनल के लिए? तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है स्वहस्तविद स्वाति, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। कुकिंग का कंटेंट तो है ही, जैसे मैं खुद जो कुकिंग करती हूँ वो तो है ही, उसके साथ एक और हमारे कॉन्सेप्ट है आपके घर में। आपके घर में जो है, जो होम मेकर्स होती है, जिसको शौक है, वैसे उनके घर पे जाके हम उनकी कुकिंग जो रेसिपीज है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। उसी के साथ प्रमोशनल वीडियो नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कोई भी आपका मतलब शॉप या फिर प्रोजेक्ट है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट है आपका, या फिर आपकी कोई क्रिएटिविटी है जो आपको प्रमोट करनी है, तो ऐसे वीडियोस है आप जाके देख सकते हो। उसी के साथ स्पेशल मुलाकात नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पता चलेगी, उनकी उनके रास्ते जो उन्होंने अपनाए हैं, या फिर उनकी जो स्ट्रगल्स उन्होंने देखे हैं, वैसे और बहुत सारा कंटेंट आपको और भी मिलेगा। उसी के साथ कुछ व्लॉग्स भी है, तो जरूर आप मेरे चैनल पे जाइए और जरूर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वाओ, बहुत ही वेरिएशन है आपके चैनल में, तो देखना तो बनता ही है। व्यूवर्स, इनके चैनल में जरूर जाइए। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्वाति, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, और मैं भी आपके सारे वीडियोस को देखती हूँ और पसंद करती हूँ। आज हमारे चैनल में होम मेकर्स रेजिन में आप क्या बनाने वाले हैं, कौन से रेसिपी लेकर आए हैं? तो संगीता, आज मैं एक रेसिपी लेकर आई, वेजिटेरियन रेसिपी, उसका नाम है हिरवी उसल। मतलब मैं मराठी में उसको हिरवी उसल बोलती हूँ। तो ग्रीन मसाले से बनाया हुआ मटकी का उसल है, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही खूब, एक नया उसल का वैरायटी हमें देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं हिरवी उसल। क्या मैंने आधा वाटी नारियल लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 5 हरी मिर्ची ली है, अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो और 2-3 आप डाल सकते हो, और धनिया, हरा धनिया। अब इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। एक कढ़ाई हमने ली है, अभी थोड़ा तेल डालेंगे इसमें, थोड़ा जीरा डाल लेते हैं, अदरक को मैंने घिस की लिया है, क्योंकि उसका स्वाद जो है ना घिस के बहुत अच्छा आता है। उसके बाद तड़के में हम करी मिर्च डाल देंगे। चॉप किए हुए अनियंस, प्याज डाल देंगे। नरम होने तक पकाना है, ट्रांसपेरेंट हो जाने के लिए। अब जो हमने हरा मसाला बनाया था वो डाल देंगे और इसको इस तेल में पका लेंगे अच्छे से। अब ये 1/2 किलो मटकी है जो मैंने रात भर भिगो के रखी और एक दिन रखी थी, तो उसको अच्छे से स्प्राउट्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं, इसको इसमें डाल देना है। अभी मिक्सर में जो पानी था उसको हम लोग इसमें डाल देंगे और थोड़ा गर्म पानी इसमें डालना है। गर्म पानी इसमें डालना है क्योंकि अपनी जो मटकी है वो जल्दी से पक जाए। अब इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के पका लेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारी जो मटकी है ना वो 50% पक गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा नमक डाल लेंगे इसमें। मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब और 10 मिनट हम इसे ढक लेंगे ताकि ये पूरी तरह से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अभी रेडी है, हमारी मटकी भी बहुत अच्छे से पक गई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कैसा बना है। तो सबसे पहले संगीता आप मेरा ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे हुआ है, टेस्ट कैसे लग रहा है आपको। कलर एक्सीलेंट A1, खुशबू तो खुद बनाएंगे तो ही आप जानेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत नमक, बहुत खूब, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। ये मेन्यू तो सबको बनाना ही चाहिए, एक बार आप बनाओगे बार बार बनाओगे, इतना अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो अब मैं ना आपका केक ट्राई करके देखती हूँ। देखिए, एक तो बहुत अच्छा स्पॉन्जी बना है, जैगरी डाल के भी इसका स्वीटनेस एकदम प्रॉपर है। दूसरी बात ना, मुझे ये खाना कुछ बोलना नहीं खाइए खाइए दोस्तों, ये जरूर बना के देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज जरूर लिखिए।